जब चारों ओर केवल अंधकार का अस्तित्व था, न सूर्य था, न चंद्रमा और न कहीं ग्रह नक्षत्र या तारे थे। दिन एवं रात्रि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अग्नि, पृथ्वी, जल एवं वायु का भी कोई अस्तित्व नहीं था। तब एकमात्र भगवान शिव की ही सत्ता विद्यमान थी और यह वो सत्ता थी जो अनादि एवं अनंत है। एक बार भगवान शिव की इच्छा सृष्टि की रचना करने की हुई। उनकी एक से अनेक होने की इच्छा हुई। मन में ऐसे संकल्प के जन्म लेते ही भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया। उन्होंने उनसे कहा, हमें सृष्टि की रचना के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि का संचालन का भार सौंपकर हम मुक्त होकर आनंद पूर्वक विचरण कर सकेंगे। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव पुनः अंबिका के साथ एकाकार हो गए और अपने वाम अंगों के दसवें भाग पर अमृत मल दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। एक दिव्य पुरुष जिसका सौंदर्य अतुलनीय था। उनके चार हाथ थे, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा तथा एक हाथ में पद्म सुशोभित हो रहा था। भगवान शिव ने इस दिव्य पुरुष को विष्णु का नाम दिया और उन्हें उत्तम तप करने का आदेश देते हुए कहा, वत्स, संपूर्ण सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जिसके बाद भगवान विष्णु कठोर तप करने लगे। इस कठोर तप के कारण उनके अंगों से असंख्य जलधाराएं निकलने लगी, जिनसे सूना आकाश भर गया। अंततः अपने कठोर तप के श्रम से क्लांत होकर भगवान विष्णु ने उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही भगवान विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। कुछ समय पश्चात सोए हुए भगवान विष्णु की नाभि से निकलकर एक उत्तम कमल का पुष्प अस्तित्व में आया, जिस पर उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके डाल दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी काफी लंबे समय तक उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे और अपने उत्पत्तिकर्ता को ढूंढते रहे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, जिसके आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने निरंतर 12 वर्षों तक कठोर तप किया। 12वें वर्ष की समाप्ति पर ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान शिव की लीला से भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के मध्य अकारण विवाद छिड़ गया। विवाद चल ही रहा था कि दोनों के बीच एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। तब भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी अथक प्रयास करके भी उस अग्निस्तंभ के आदि और अंत का पता नहीं लगा सके। अंत में हार कर भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को जान सकने में असमर्थ हैं। आप जो भी हो हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट होइए। जिसके बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों के कठोर तप और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं समस्त सृष्टि का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, विष्णु पर समस्त चराचर जगत के पालन का उत्तरदायित्व होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संगार का उत्तरदायित्व सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। और तब ब्रह्मा जी ने अपने कार्य का आरंभ मानसिक सृष्टि से किया, परंतु जब उनकी मानसिक सृष्टि विस्तार नहीं पा सकी तो वे अत्यंत दुखी हो उठे। उसी समय फिर से आकाशवाणी हुई, जिसके माध्यम से उन्हें मैथुनी सृष्टि आरंभ करने का आदेश मिला, लेकिन तब तक नारियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना मैथुनी सृष्टि का आरंभ नहीं किया जा सकता। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने एक बार पुनः कठोर तप आरंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी की भक्तिपूर्ण स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव के उस अलौकिक विग्रह को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान शंकर बोले, पुत्र ब्रह्मा, मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे तप का उद्देश्य भी पता है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को पृथक कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन पराशक्ति को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और उनके समक्ष अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उन्हें कृतार्थ करें। तब माता उमा देवी ने कहा, ततास्तु, ऐसा ही होगा। और जिसके बाद फिर वह भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद से ब्रह्मा जी निर्विघ्न रूप से मैथुनी सृष्टि का विस्तार करने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।